हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि पटना के जैसा ही मुजफ्फरपुर को भी बनाने की कवायद चल रही है और मुजफ्फरपुर शहर का भी बहुत तेज़ी से फेस लिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। ये फेस लिफ्टिंग का काम जो है वो आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। फेस लिफ्टिंग होता क्या है? फेस लिफ्टिंग का मतलब होता है शहर को खूबसूरत बनाना, शहर का चेहरा बदलना। स्मार्ट सिटी में फेस लिफ्टिंग के लिए मुजफ्फरपुर शहर के लिए कई जगहों को चयनित किया गया। इन जगहों में सूतापट्टी, बैंक रोड, इस्लामपुर, कंपनी बाग एवं सरैयागंज टावर इलाके शामिल हैं। यहाँ सभी मकान एवं दुकान पिंक लाइट कलर में होंगे। इन मकानों दुकानों के आगे का हिस्सा इसी रंग से रंगा जाएगा। शाही लीची से मुजफ्फरपुर की पहचान है। इसी पहचान को देखते हुए इससे मिलते जुलते पिंक लाइट का चयन फेस लिफ्टिंग के लिए किया गया है। इसके तहत बैंक रोड में इस कलर से फेस लिफ्टिंग का काम शुरू भी कर दिया गया है। दुकानों के बोर्ड लगाने में भी मनमानी नहीं चली गई। अब सभी बोर्ड एक जैसे दिखेंगे। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित मुजफ्फरपुर दौरे को लेकर स्मार्ट सिटी के MD नवीन कुमार ने शनिवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की है। इस दौरान फेस लिफ्टिंग के साथ बाकी प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई है, जिसमें फेस लिफ्टिंग समेत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बाकी काम में भी तेजी लाने को कहा गया है। 29 करोड़ की लागत से शहर के चिन्हित इलाकों में ड्रेनेज, अंडरग्राउंड केबलिंग, सड़क बनाने के साथ साथ सूतापट्टी, कंपनी बाग, सरैयागंज टावर, इस्लामपुर एवं पंकज मार्केट की सभी दुकान मकानों का अगला हिस्सा एक ही कलर यानी कि पिंक कलर से रंगा जाएगा। पिछले साल एक कलर से रंगने का निर्णय नहीं हो पा रहा था, मतलब ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कौन से रंग से ये रंगा जाएगा, तो इस बार निर्णय हो चुका है कि सभी मकान और दुकान लाइट पिंक कलर से रंगे जाएंगे। तो यही खबर है। फेस लिफ्टिंग के तहत अगला हिस्सा तोड़ फोड़ में जो लागत आएगी वह खर्च स्मार्ट सिटी से होगा। दुकान का बोर्ड भी स्मार्ट सिटी से ही बनेगा, यानी जनता के ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं डाला जाएगा। तो एक खबर थी जिसको कि मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू दिखाने जा रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम यूं ही ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना करके दिखाते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, हाँ व्यूवर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम यूं ही ऐसे ही बिहार के सभी अपडेट्स और डेवलपमेंट न्यूज़ आपको अपने वीडियोस के माध्यम से दिखाते रहेंगे।